और बुलेटिन में अब बात कोटा की। कोटा शहर की पहचान अपनी लजीज और चटपटी कचौड़ी की वजह से भी है, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ी है इसका असर कचौड़ी की कीमतों पर भी पड़ा है। जो पहले 10 रुपए में मिलती थी अब वो 15 रुपए में मिलने लगी है। कचौड़ी अब लग्जरी हो गई। कचौड़ी के दामों में सीधे तौर पर 5 रुपए बढ़ गए। कचौड़ी के शौकीनों को 10 के बजाय 15 रुपए देने होंगे। मैदा, मसाले, तेल, हींग सब महंगे हो गए। मौसम कोई भी हो, कहा जाता है कि कोटा के दिन की शुरुआत गर्मा गर्म हींग वाली चटपटी कचौड़ी के साथ होती है। समय की कोई पाबंदी नहीं है, हर वक्त दुकान पर लगी ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि कोटा में कचौड़ी के शौकीनों की तादाद कितनी है। करीब छोटी बड़ी 5000 कचौड़ी की दुकानें और रोज 2 लाख से ज्यादा कचौड़ियों की खपत बतौर कोटा टेस्ट की पहचान बन गई है। वहीं अब ज्यादातर बड़े दुकानदारों ने अपने कचौड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। जो पहले 10 में मिलती थी अब कचौड़ी सीधे 15 रुपए में मिलेगी। कोटा वो शहर जिसे जाना जाता है अपनी हींग की चटपटी कचौड़ियों के लिए। कोटा मतलब कचौड़ियों का स्वाद, यही पहचान है कोटा की। और ऐसे में अब कोटा की कचौड़ियों पर पड़ी है महंगाई की मार। अब जरा विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर एक साथ 10 रुपए की कचौड़ी 15 रुपए की कैसे हो गई। तो इसकी वजह है मैदा, मसाले, तेल, हींग, दाल सब महंगा हो गया, तो कचौड़ी भी लग्जरी हो गई। जो मैदा एक साल पहले तक 28 रुपए किलो था अब 40 रुपए किलो हो गया। बात मसालों की करें तो सभी मसाले करीब 20% महंगे हो गए। दाल की बात करें तो एक साल में दुगनी होकर 120 रुपए किलो तक पहुंच गई। तो वही कचौड़ी के स्वाद में चार चांद लगाने वाली हींग 18 से 20 हजार रुपए किलो की हींग 25 हजार रुपए किलो पहुंच गई है। तो वही तेल 15 किलो की टीन पर 300 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। ऐसे में लाजमी है कि कचौड़ी के दाम भी बढ़ने ही थे। जो आधे कोटा में अभी कचौड़ी की रेट हाइक हुई है, इसमें आप तेल, बेसन, मैदा, दालें, मिर्च मसाले सब आसमान छू रहे हैं इनकी कीमतें। आज हम देखा है कि जितने भी दुकानदार है कोटा के, बाकी जो दुकानदारों ने नहीं किए अभी, वो भी अब इस कदम की ओर आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो भी उनको भी थोड़ा सुकून मिले, क्योंकि मार्जिन नहीं है कचौड़ी में। कचौड़ी के दाम पे एक तो देखो हर चीज़ महंगी हो गई है, प्लस अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने तेल पे, घी पे, सब पे टैक्स लगा दिया और एक्स्ट्रा GST के अलावा, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। बाकी ऐसा कोई सा मसाला या कोई चीज़, दाल ले लो आप, बेसन ले लो, मैदा ले लो, सबके दाम बढ़ गए तो इफेक्ट तो पड़ेगा। बात कचौड़ी की शौकीनों की करें तो उनके लिए टेस्ट सबसे ऊपर है, 10 की हो या फिर 15 की, लेकिन स्वाद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि लग्जरी कचौड़ी के लिए दीवानगी ही कुछ ऐसी है। कोटा में सुबह से लेकर के शाम तक गर्मा गर्म की तादाद में तैयार होती है, मिलती हैं, बिकती हैं, लेकिन अब जब सब चीज़ें महंगी हुई हैं तो इस महंगाई के साथ में महंगाई की मार जो आम ग्राहक सुबह से शाम तक कचौरियों को खाते हैं उनकी कचौरियों पर भी पड़ी है। 10 रुपए की कचौरी 15 की हो गई। कोटा में सभी लोग कचौरी के शौकीन होते हैं, तो अब जेब पर भारी पड़ेगी ये कचौरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ का, तो 15 रुपए में भी कोई महंगी कचौरी नहीं है, बहुत अच्छी कचौरी है। अब ये 10 की जगह 15 की हो गई, तो क्या सोचते हैं लेने से पहले कि वही महंगी हो गई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचते, बहुत अच्छा टेस्ट आता है कचौरी में। टेस्ट आता है तो हर रोज खाते हैं आप? हर रोज। तो भले कचौरी महंगी हो गई हो, चाहे मेहमानों की आग भगत करनी हो या फिर कोई बाहर का शख्स कोटा आकर कचौरी का स्वाद ले, ये स्वाद ऐसा है कि उसे वो भुलाए भूल नहीं सकता। यही वजह है कि दाम बढ़ने के साथ कोटा की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बने कचौरी व्यापार पर महंगाई की मार पड़ने के बाद भी कोई नुकसान की उम्मीद नहीं है। स्वाद की बात है और कोटा का स्वाद मतलब कचौरी। फिलहाल सब कुछ महंगा है,
चाहे बेसन की बात हो, मसालों की बात हो, दालों की बात हो या फिर तेल की बात हो, जब ये सब कुछ महंगा हुआ है तो फिर महंगी हो गई है कचौरी, महंगा हो गया है कोटा का स्वाद। अब 10 की जगह 15 रुपए खर्च करने पड़ेंगे स्वाद के लिए और लोगों की जेब पर कहीं ना कहीं कचौरी का स्वाद थोड़ा सा तो असर डालेगा ही। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।